हेलो दोस्तों, नन्ना शेर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास से कक्षा 6 का अध्याय 3 लेकर आए हैं, जिसका नाम है आरंभिक नगर। इनको आरंभिक नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले मानव ने यहीं बसना शुरू किया था। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हड़प्पा की कहानी। इस हड़प्पा की कहानी कहाँ से शुरू होती है? जब आज से लगभग 150 साल पहले जो इंजीनियर थे वो पंजाब में, पंजाब से जब हम बात करते हैं तो पंजाब है ये पाकिस्तान वाला पंजाब, तो वो वहां पे रेलवे लाइनें बिछा रहे थे। रेलवे लाइनें बिछाते बिछाते उनको वहां पे खंडर मिला। उस खंडर में ईंटें अच्छी थी तो उन्होंने क्या किया, वो ईंटें उखाड़ कर रेलवे लाइन बिछाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, जो कुछ इमारतें थी वो पूरी तरह नष्ट हो गई। इसके बाद लगभग 80 साल पहले जब पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा तो उन्हें पता चला यह खंडर इस उपमहाद्वीप का सबसे पुराना शहर था। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी इसलिए इसके बाद इस जैसी इमारतें और पुरास्थलों को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। हड़प्पा सभ्यता थी वो लगभग 4700 साल पहले शुरू हुई थी। अगर हम बात करते हैं इन नगरों की विशेषताओं की, तो ये जो नगर थे, पहले हम मानचित्र में देख लेते हैं। जैसे हड़प्पा यहाँ पे है, उसके बाद मोहनजोदड़ो, ये धोलावीरा जो गुजरात में है, लोथल ये मेन है, बाकी और जितने यहाँ दिख रहे हैं ये सब हड़प्पा संस्कृति के ही नगर हैं। अगर हम इन नगरों की विशेषताओं की बात करते हैं तो उन विशेषताओं में क्या होता था, जो ये नगर थे इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है पश्चिमी भाग, जो बहुत छोटा होता था लेकिन ऊंचा होता था। तो पुरातत्वविद मानते हैं कि इनमें शासक रहते होंगे और उन्होंने इसका नाम दिया नगर दुर्ग। लेकिन जो दूसरा हिस्सा होता था वो पूर्वी हिस्सा होता था, और पूर्वी हिस्सा जो होता था वो निचला हिस्सा होता था लेकिन वो बड़ा होता था। तो निचले हिस्से में पुरातत्वविद मानते हैं कि यहाँ पर आम जनता रहती होगी। जो इन नगरों की जो दीवारें थी वो चार दीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। जैसा इस चित्र में दिख भी रहा है, ये जो ईंटें हैं ये सारी की सारी पक्की ईंटें हैं लेकिन छोटी हैं आकार में, लेकिन ये बहुत अच्छी ईंटें होती थी। कुछ नगरों के जो नगर दुर्ग थे उनमें जो खास इमारतें बनाई जाती थी, मिसाल के तौर पर अगर हम मोहनजोदड़ो से लेते हैं, वहां पे जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है एक विशाल स्नानागार बनाया गया है। इस स्नानागार में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। इसे भरने के लिए वहां पे पानी के कुएं भी होते थे जिन्हें बाद में खाली कर दिया जाता था। और यहाँ पे ये भी माना जाता है कि कुछ अवसरों पर यहाँ पर वशिष्ठ लोग स्नान करते होंगे। इसी तरह काली बंगा और जो लोथल है जो हमारे गुजरात में है, वहां पे हमें अग्निकुंड मिले हैं। इनसे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने हवन वगैरह करना शुरू कर दिया था, और वहां पर हड़प्पा जैसे मोहनजोदड़ो लोथल में कुछ बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि नगरों को बनाया कैसे जाता था, वहां पर नाले कैसे थे, सड़कें कैसे थी। इन नगरों की अगर बात करते हैं तो जो आमतौर पर जो घर हैं वो एक या दो मंजिला मिलते थे, और जो घर का आंगन था वो बीच में होता था, चारों तरफ कमरे बने होते थे, और अधिकतर घरों में स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी मिले हैं। अगर हम बात करते हैं वहां नाले कैसे थे, नालों को बड़ी ही सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की से ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, और जो घरों की नालियां होती थी उनको सड़कों की नालियों से सीधी लाइन में जोड़ा जाता था, जिनमें बड़े बड़े मेन होल भी होते थे ताकि उनकी देखभाल और साफ सफाई हो सके। तो इस तरह से जो घर, नाले और सड़कें थी उनका निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। अगर
अगर हम बात करते हैं वहां के नगरीय जीवन की, लोग रहते कैसे थे, तो पुरातत्वविदों को यह पता चला है कि इन नगरों में बड़ी हलचल रहती होगी। ऐसा वो क्यों मानते हैं? क्योंकि ये माना जाता है कि शासक जो वहां के थे वो संभवतः लोगों को दूर दूर भेजते थे, और इसका प्रमाण है वहां पर मिली धातुएं, बहुमूल्य पत्थर तथा और अन्य उपयोगी चीजें। इससे पता चलता है कि लोग वहां आते जाते रहते होंगे, और वहां पे हमें मनको तथा सोने चांदी के आभूषणों जैसी कीमती चीजें भी मिली हैं। और दूसरा हमें पता लगता है कि वहां पर लिपिक भी होते थे। लिपिक किन्हें कहते थे? जो लिखते हैं। तो लिपिक का कैसे पता चला है? वहां से हमें काफी सारे मोहरे मिली हैं, मोहरों पर कुछ लिखा होता था, तो इससे पता चलता है कि वहां पर लिपिक भी होते थे, शायद वो कुछ और भी लिखते होंगे। इसके अलावा इन नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों में किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। लोग लंबी यात्राओं से आते थे और कुछ उपयोगी चीजें ले आते थे, जिससे बाद में मिट्टी के कई सारे खिलौने मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। हम बात कर लेते हैं इन नगरों से पुरातत्वविदों को क्या क्या चीजें मिली हैं। अगर हम बात करते हैं, अधिकतर इनमें पत्थर हैं, शंख हैं, तांबे हैं, कांसा है, सोना चांदी है, ऐसी काफी सारी धातुएं मिली हैं। तांबे और कांसे के औजार भी मिले हैं, गहने भी मिले हैं और बर्तन भी मिले हैं। ऐसे ही सोने और चांदी के भी गहने और बर्तन मिले हैं। यहाँ मिली सभी वस्तुएं आकर्षक थी, और बहुत सारी वस्तुओं पर मन के बाट और फलक जैसी चीजें भी मिली हैं। अगर हम बाट की बात करते हैं, बाट चाट चट पत्थर से बनाया जाता था। ये भी माना जाता है कि उस समय चीजों को विशेषज्ञों ने बनाया होगा। इसका पता कैसे चलता है? अगर हम इस तस्वीर को देखते हैं, इस तस्वीर में जो इसने वस्त्र पहने हैं, ये कढ़ाई नुमा वस्त्र पहने हुए हैं, और इसकी जो धाड़ी है वो बड़े ही तरीके से बनाई गई है। इस चीज से पता चलता है कि जिन्होंने इसको बनाया होगा वो विशेषज्ञ होंगे। इसी तरह 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती होगी, ये पुरातत्वविदों का अनुमान है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी के फूलदान के ढक्कन के साथ मिले हैं, और तांबे की कुछ वस्तुओं के साथ भी वो कुछ कपड़े चिपके हुए मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होना शुरू हो गई होगी। हम बात करते हैं कच्चे माल की खोज की। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते थे जो प्राकृतिक रूप से मिलते थे, या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते थे, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क। ये सब उस समय प्राकृतिक रूप से ही मिलते थे। इनमें से फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते थे। इसके बाद कटाई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा के लोगों में कई चीजें ऐसी भी मिली हैं, जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, जो दूर दूर से मंगाए जाते होंगे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान या जो पश्चिमी एशियाई देश है ओमान, यहां से करते होंगे। और तांबे के साथ टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। जो टीन का आयात था वो आधुनिक ईरान या अफगानिस्तान से किया जाता होगा। अगर हम बात करते हैं सोने के आयात की, तो वो आज का जो आधुनिक कर्नाटक है वहां से किया जाता होगा। जो बहुमूल्य पत्थर हैं वो गुजरात, ईरान या अफगानिस्तान से लाए जाते होंगे। नगरों में रहने वालों के लिए जो भोजन है उसका प्रबंध कैसे होता था? ये माना जाता है लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चारेवाह ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों तथा विशेषकर जो विशेषज्ञ होते थे उनके लिए खाने का उत्पादन करते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोगों ने गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाना सीख लिया था। जमीन की जुताई के लिए वो हल का प्रयोग करते थे। इसका पता कैसे चलता है? संभवतः माना जाता है कि वो लकड़ी के हल बनाते होंगे, लेकिन वो बाद में समय के साथ साथ लकड़ी के जो हल थे वो खराब हो गए होंगे, लेकिन जो वहां से खिलौने मिले हैं वो हल नुमा मिले हैं। इससे पता चलता है कि वो जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे।
ये भी पता चला है कि हड़प्पा के लोगों ने गायें, भैंस, भेड़ बकरियां आदि पालना सीख लिया था। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। जैसे कच्छ के इलाके में एक धोलावीरा नाम का नगर मिला है। जो ये नगर है, ये बाकी के जो हड़प्पा के सभ्यता के नगर थे उनसे थोड़ा अलग था। बाकी जो सभ्यता के नगर थे वो दो भागों में विभाजित होते थे, लेकिन ये नगर तीन भागों में बंटा हुआ था। और इसकी जो दीवारें थी वो ऊंची ऊंची थी और पत्थरों से बनी हुई थी। इसके प्रवेश द्वार बहुत बड़े बड़े थे और वो एक अंदर खुला मैदान भी था, जिसे माना जाता है कि वहां पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम विशेष अवसर पर होता होगा। इसके साथ वहां पर अगर हम बात करें लोथल की, लोथल में एक बहुत बड़ी बंदरगाह जैसा तालाब मिला है। तो ये माना जाता है कि यहाँ से लोग समुद्र के रास्ते अपना आयात निर्यात करते होंगे। करते हैं सभ्यता के अंत की। जैसे हमें पता है कि इसका जो सबसे पुराना शहर, जो पुराना नगर मिला है वो 4700 साल पहले है। लेकिन 3900 साल पहले बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले। ये जो लोग थे ये नगरों को छोड़कर जाने लगे। यहाँ पर जो लेखन था, मोहर बाटों का जो प्रयोग था वो बंद हो गया था। दूर दूर से कच्चा माल जो आता था वो भी बंद हो गया था। मोहनजोदड़ो जैसे नगर में कचरे के ढेर लग गए थे और लोगों ने नगर की बजाय झुग्गीनुमा घरों में रहना शुरू कर दिया था। यह सब क्यों हुआ इसका किसी को पता नहीं है, लेकिन विद्वान अनुमान लगाते हैं। पहले नंबर पर लगाते हैं कि नदियां सूख गई होंगी। अगर नदियां सूख गई होंगी तो लोगों को पीने का पानी नहीं मिला होगा, इसलिए लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया। दूसरे बोलते हैं जंगलों का विनाश हो गया होगा, तो जो प्राकृतिक रूप से कच्चा माल मिलता था वो उनको मिलना बंद हो गया होगा और जो उनके पशु थे वो भूखे मर रहे होंगे, इसलिए उन्होंने इन नगरों को छोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद जो हमें एक और इनका प्रमाण मिलता है कि वो मिलता है कि कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। बाढ़ आने से सभी इलाके उजाड़ हो गए होंगे। लेकिन ये भी माना जाता है कि ये सारे के सारे इलाके एक साथ बाढ़ आने से कैसे सूख सकती हैं, तो ये अभी रहस्य ही बना हुआ है। और ऐसे ही जो आधुनिक पाकिस्तान है वहां पर भी सिंध और पंजाब में बस्तियां उजड़ गई थी, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए थे। इसके बाद 1400 साल बाद कुछ नए नगर बसने शुरू हुए थे। तो यहाँ हमने पढ़ा कि जो हड़प्पा सभ्यता है वह कैसे 4700 साल पहले शुरू होती है और 3900 साल पहले आके उसका अंत हो जाता है। इसी तरह अगर हम दूसरे की बात करते हैं, मिस्र में भी एक सभ्यता थी जो 5000 साल पहले शुरू हुई थी और वहां पर भी बड़े बड़े पिरामिड बनाए गए थे। लोग धातुओं का निर्यात और आयात दूर दूर से करते थे। अब हम इसके ले लेते हैं अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न है, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? बहुत सारे कारण हैं जिसे पुरातत्वविदों को मिला है। जैसे मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं और कपास से सूत कातने के लिए टकलियां भी मिली हैं। चांदी के फूलदान के ढक्कन पर कपड़ा लिपटा हुआ मिला है। तांबे की कुछ वस्तुओं के साथ कपड़े के टुकड़े मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से जो एक तस्वीर मिली है उससे पता चलता है कि तस्वीर पे कढ़ाई नुमा उसने वस्त्र पहने हुए हैं, जिससे पता चलता है लोगों ने उस समय कपड़े का उपयोग किया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित का सुमेल करो। तांबा, सोना, टीन, बहुमूल्य पत्थर, चित्रित मृद भांड, ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तांबा जो है वो आयात करते थे राजस्थान से या ओमान से। और जो सोना है, सोने का जो आयात होता था वो सिर्फ कर्नाटक से ही होता था। और जो टीन है, टीन का जो आयात था वो अफगानिस्तान, ईरान से होता था। और जो बहुमूल्य पत्थर है वो गुजरात से आता था और आपका अफगानिस्तान और ईरान से आता था। और चित्रित मृत भांड जो है वो आपके अफगानिस्तान से आते थे। अगला प्रश्न लेते हैं, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? अब इसका उत्तर लेते हैं धातुएं। सबसे पहले सोने चांदी से वो गहने और बर्तन बनाए करते थे। टीन धातु का प्रयोग वो तांबे में मिलाकर कांसा बनाते थे। कांसा एक मिश्रित धातु थी जिससे वो औजार भी बनाते थे, बर्तन भी बनाते थे, गहने भी बनाते थे। इसी तरह सोने और चांदी के भी गहने
के वहां पर अवशेष मिले हैं। लेखन की बात करते हैं तो हड़प्पा के जो लोग थे वो लिपिक थे, इसका पता चलता है वहां पर मिली मोहरों से। संभवतः वो मोहरों के अलावा और भी वस्तुओं पर लिखते होंगे। जो पहिया है, पहिए का उपयोग वो चक्कर तथा पशु गाड़ियों में किया करते होंगे। इसकी सहायता से ही मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं उनको गोल भी बनाया जाता होगा। अगर हम हल की बात करते हैं, हल खेती के लिए महत्वपूर्ण उपकरण था जिससे भूमि की जुताई की जाती थी। इसके जो हमें प्रमाण मिले हैं वो खिलौने मिले हैं जो हलनुमा है। प्रश्न नंबर 4 हम लेते हैं। इस अध्याय में पकी मिट्टी टेराकोटा, जिसे टेराकोटा भी कहते हैं, से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ। इनमें से कौन कौन से खिलौने बच्चों को ज्यादा पसंद आए होंगे? पक्की मिट्टी से जो उस टाइम में खिलौने बने हैं उसमें खिलौना गाड़ी, खिलौना हल, पशु पक्षियों के नमूने पाए जाते हैं। यह सभी बच्चों को वैसे तो पसंद आए होंगे, लेकिन खिलौना गाड़ी इसे बच्चे अच्छे से खेलते होंगे। प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ। आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो वो बताओ। इसकी अगर हम सूची बनाते हैं तो गेहूं, जौ, दालें, तिल, धान, मटर, सरसों, ये सब मिले हैं और ये सब अनाज आज भी हम लोग खाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में पिछले अध्याय में पढ़ा? अपने उत्तर में इसका कारण बताओ। बिल्कुल उनका जीवन उनसे भिन्न था। इसका कारण क्या है कि वो लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे और ये लोग बड़े बड़े नगरों में रहते थे। वो लोग आकेटक थे और ये लोग पशुपालक थे। दोस्तों यहाँ पर हमारे अभ्यास के प्रश्न खत्म होते हैं और अगले वीडियो में हम इसके MCQ क्वेश्चन लेकर आएंगे।